दोस्तों जरा सोचिए, एक अंग्रेज परिवार इंग्लैंड के आलीशान घर में और वहाँ रखा हुआ भगवान गणेश का विग्रह। सब कुछ तो एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी शुरू होती है एक ऐसी दास्तां जो रोंगटे खड़े कर दे। क्या होता है जब भगवान की मूर्ति का मजाक उड़ाया जाता है? कैसे एक सपने में भगवान गणेश आते हैं और पूरा खेल बदल जाता है? और फिर वो अंग्रेज परिवार कैसे भगवान कृष्ण और श्री हरि की महिमा को समझने पर मजबूर हो जाता है? ये कहानी है आस्था और परमात्मा शक्ति की, जो आपको यकीन दिलाएगी कि भगवान की लीला अपरंपार होती है। सो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी खास और दिलचस्प होने वाली है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। ऐसे में वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, श्री वृंदावन धाम में एक बहुत फेमस मंदिर है जिसे श्री राधा बाग कहते हैं और यहाँ माँ कात्यायनी की मूर्ति स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में स्वामी केशवानंद महाराज जी का वास था। एक रात महाराज जी को सपना आया कि उन्हें यहाँ माँ कात्यायनी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, तो उन्होंने कलकत्ता के एक मूर्तिकार को माँ कात्यायनी की मूर्ति का ऑर्डर दे दिया और साथ ही भगवान शंकर की मूर्ति के लिए जयपुर में ऑर्डर दे दिया। लेकिन उसी रात माँ कात्यायनी ने फिर से स्वामी जी को सपने में आकर कहा, तुम मेरा मंदिर तो बना रहे हो पर गणेश जी की मूर्ति का ऑर्डर मत देना, वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगी। अब ये सुनकर स्वामी जी थोड़े हैरान हो गए कि आखिर गणेश जी की मूर्ति आएगी कहाँ से। अगले दिन उन्होंने माँ से विनती की, माँ ये मूर्ति कहाँ से आएगी। फिर उसी रात उन्हें एक और सपना आया जिसमें माँ ने बताया कि एक अंग्रेज गणेश जी की मूर्ति इंग्लैंड ले गया है। ये बात 1911 की है। कलकत्ता के एटलस इंश्योरेंस कंपनी में एक अंग्रेज अफसर थे जिनका नाम था श्री TH डैनियल। उनकी वाइफ जयपुर घूमने आई थी और घूमते घूमते एक मूर्तिकार के पास पहुंच गई। वहां उन्होंने गणेश जी की मूर्ति देखी और उन्हें वो मूर्ति इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे खरीद लिया और इंग्लैंड ले गई। उस समय अंग्रेजों का राज था तो उन्हें मूर्ति ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इंग्लैंड पहुंचकर उन्होंने उस मूर्ति को अपने बड़े से घर के गार्डन में रख दिया। अब एक दिन उनके घर पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। जब उन्होंने उस गार्डन में गणेश जी की मूर्ति देखी तो सभी को बड़ा अजीब लगा। मूर्ति में एक आदमी के शरीर पर हाथी का सिर लगा हुआ था, तो सब लोग मिसेस डैनियल से पूछने लगे, ये क्या है? मिसेस डैनियल ने बताया, ये हिंदुओं के भगवान हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग मजाक उड़ाने लगे। कोई गणेश जी का हाथ खींचने लगा, कोई उनके पैरों के नीचे जाकर पैर दबाने लगा, कुछ लोग तो चम्मच लेकर उनका मुंह ढूंढने लगे। इस तरह से उन्होंने भगवान गणेश जी की मूर्ति के साथ बहुत बदतमीजी की। जब श्री डैनियल ने मूर्ति के साथ लोगों को बदतमीजी करने से मना किया तो किसी ने उनकी बात नहीं मानी। वो सारे अंग्रेज थे, थोड़ा कम ही अकल लगाते थे। उन्होंने गणेश जी की मूर्ति को वहाँ खींच कर ले आए जहाँ खाना चल रहा था। उन्होंने मूर्ति को जूठे खाने से स्पर्श कराया और कहने लगे, चलो ढूंढो इनका मुख कहाँ है। इस तरह से वो गणेश जी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। अब रात को जो हुआ उसका जिक्र गीता प्रेस की कृपा अनुभूति पत्रिका में किया गया है। हुआ यूं कि मिसेस डैनियल की बेटी को अचानक बहुत तेज बुखार हो गया और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। जब वो रात को सोई तो सपने में उसे भगवान गणेश का विग्रह दिखाई दिया। गणेश जी ने उससे कहा, तुमने मुझसे मजाक किया है, मुझे अभी के अभी भारत भेजो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये सपना लगातार 10-15 दिन तक आता रहा। वहाँ के डॉक्टर भी चौंक गए थे कि ये बुखार क्यों नहीं उतर रहा। लड़की बार बार बस एक ही बात कह रही थी, मुझे ये खिलौना डरा रहा है, ये मुझे डराता है। अब 10-15 दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात मिसेस डैनियल अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे सपना आया। उसने देखा कि शाम का वक्त है और एक आदमी बैल पर बैठा हुआ आ रहा है। उसके बहुत घने बाल थे, गले में सांप लिपटा हुआ था और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। वो व्यक्ति मिसेस डैनियल से बोला, जिस मूर्ति को तुमने अपने घर रखा है अंग्रेजों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया है, ये मेरे पुत्र हैं, इन्हें फौरन भारत भेजो वरना तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही मिसेस डैनियल ने घबराकर गणेश जी की मूर्ति को पैक कराया और अपने पति के पास कलकत्ता रवाना कर दिया। जैसे ही मूर्ति इंग्लैंड से निकली, उनकी बेटी का बुखार अचानक ठीक हो गया और जब कलकत्ता में मूर्ति पहुंची तो वहां भी कुछ चमत्कारी घटनाएं घटने लगी। कुछ दिनों बाद मिस्टर डैनियल कोलकाता में एटलस इंश्योरेंस के ऑफिस पहुंचे और गणेश जी की मूर्ति को वापस ले आए। अब तक शहर में ये बात फैल चुकी थी कि ये
ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है बल्कि कुछ खास है। उन्होंने मूर्ति को अपनी कंपनी में रखा और देखते ही देखते 3-4 दिन में भीड़ बढ़ने लगी। लोग अलग अलग जगहों से दर्शन करने आने लगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि ऑफिस का काम भी ठप हो गया। मिस्टर डैनियल ने तब अपने एक सीनियर अधिकारी श्री जयनाथ को बुलाया, उनसे पूछा कि ये मूर्ति कौन सी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरी बीवी इसे लेकर आई थी और अब ये सब हो रहा है। जयनाथ जी ने कहा, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। जयनाथ जी कलकत्ता के 7 अभयचरण मित्र स्टेट में रहते थे। वो मूर्ति को अपने घर ले गए और वहाँ पूजा पाठ शुरू किया। अब कुछ दिन ऐसे ही बीते। उसी दौरान वृंदावन के स्वामी केशवानंद जी, जो माँ कात्यायनी की अष्ट धातु की मूर्ति का ऑर्डर देने के लिए कलकत्ता आए थे, उन्हें इस बारे में खबर मिली। स्वामी जी ने माँ से कहा, माँ मैंने बाकी सारी मूर्तियों का ऑर्डर दे दिया लेकिन आप गणेश जी की मूर्ति के लिए मना कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तब माँ कात्यायनी ने स्वामी जी को सपने में आकर कहा, तुम कलकत्ता जाओ, वहाँ तुम्हें मेरे पुत्र की मूर्ति मिल जाएगी। गणेश जी की मूर्ति 7 दिन तक जयनाथ जी के घर पर रही। 7 दिन बाद जब स्वामी केशवानंद जी वृंदावन से कलकत्ता पहुंचे तो जयनाथ जी को पता चला। वो घबराते हुए स्वामी जी के पास पहुंचे। स्वामी जी ने पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? जयनाथ जी ने कहा, गुरुदेव पिछले कुछ दिनों से मुझे हर रात एक डरावना सपना आता है। सपने में एक व्यक्ति बार बार कहता है कि जो मूर्ति तुम्हारे घर में है उसे यहाँ से हटाओ और वृंदावन भेज दो, उसका असली स्थान वही है। ये देखकर मैं बहुत डर गया हूँ। स्वामी केशवानंद जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन सी मूर्ति है? जयनाथ जी ने कहा, भगवान गणेश जी की मूर्ति है। ये सुनते ही स्वामी जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, 3 दिन बाद मैं तूफान मेल से कोलकाता से वृंदावन जाऊंगा। माँ कात्यायनी की मूर्ति तैयार है और 15 दिन पहले ही माँ ने मुझे सपने में कहा था कि मेरा पुत्र इंग्लैंड से कलकत्ता पहुंच चुका है, उसे भी साथ लेकर आना। स्वामी जी की बात सुनकर जयनाथ जी एकदम हैरान रह गए। ये तो सच में भगवान की लीला थी। जयनाथ जी ने स्वामी केशवानंद जी को सारी कहानी बताई, कैसे जयपुर से भगवान गणेश जी की मूर्ति इंग्लैंड पहुंची, फिर वहां से वापिस आई और अब वो मूर्ति उनके साथ वृंदावन जाने वाली है। स्वामी जी बड़े ही श्रद्धा भाव से मूर्ति को लेकर चले लेकिन रास्ते में उन्हें एक सपना आया। उस सपने में भगवान ने आदेश दिया, मेरा पुत्र बड़ा नटखट है, इसे जहां बिठाओगे वहीं बैठ जाएगा। अब स्वामी जी और ज्यादा सतर्क हो गए, मूर्ति को संभाल कर वृंदावन लाए और वहां एक जगह निर्धारित की थी जहां वो मूर्ति को रखना चाहते थे। पर जब उन्होंने गणेश जी की मूर्ति उस स्थान पर रखी तो वो वहीं स्थापित हो गई। आज भी अगर आप वृंदावन धाम जाते हैं तो श्री राधा बाग मंदिर में माँ कात्यायनी के साथ भगवान गणेश जी की वही मूर्ति स्थापित है। वहां आने वाले लोग जब इस पूरी कहानी के बारे में सुनते हैं तो चमत्कार देखकर दंग रह जाते हैं। ये कोई साधारण मूर्ति बिल्कुल नहीं थी, खुद अपने आप जयपुर से इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड से वापस भारत और अंत में वृंदावन तक पहुंची। ये भगवान की अद्भुत लीला का प्रमाण है। भगवान शिव का वरदान है कि जो भी गणेश जी का अपमान करेगा वो कभी सुरक्षित नहीं रहेगा और जो उनका आदर करेगा, उनकी पूजा करेगा, उसके सारे विघ्न बाधाएं खत्म हो जाएंगी और उसका कल्याण होगा। ये पूरी घटना इस बात को साबित करती है कि भगवान की लीला असीम है और उनके भक्तों पर उनकी कृपा अनंत होती है। इसी के साथ दोस्तों एक और कहानी मैं आपको बताती हूँ जो सुनकर आपका मन एकदम भक्तिमय हो जाएगा। सो अगर आप अभी तक हमारी इस वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं तो आगे भी इसी तरह से बने रहिएगा। एक बार की बात है प्यारे दोस्तों, एक छोटे से गाँव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। वो दिन रात मेहनत करता लेकिन फसलें हमेशा खराब हो जाती थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि उसके जीवन में कभी सुधार होगा ही नहीं। रामू के पास जितने भी सपने थे वे सब धुंधले पड़ गए थे। उसकी पत्नी सीता भी उसकी चिंता करती थी और कहती थी, रामू हमें कुछ करना होगा, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। एक दिन रामू ने सुन रखा था कि गणेश जी की पूजा करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। उसने सोचा, अगर गणेश जी मेरी मदद कर सके तो क्यों ना उन्हें अपने दिल से पुकारूं। उसने अपने घर में एक छोटी सी मूर्ति खरीदी और पूरे श्रद्धा के साथ उनकी पूजा शुरू की। पहले तो उसने पूजा में कुछ फल और फूल चढ़ाए लेकिन धीरे धीरे उसकी श्रद्धा बढ़ती गई। वो प्रतिदिन अपने खेतों में जाकर गणेश जी की आरती गाने लगा और मन ही मन उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करता रहा। रामू ने गणेश जी से प्रार्थना की कि वो उसकी फसलें अच्छी करें और उसके जीवन में खुशियां लाएं। दिन बीतते गए लेकिन रामू की मेहनत का कोई फल नहीं निकल रहा था। गांव वाले फिर से उसकी हंसी उड़ाने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, रामू
तुम बस बेतुकी बातों में समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें मेहनत करने की बजाय मूर्तियों की पूजा करने में विश्वास है। रामू ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी। वो जानता था कि गणेश जी उसकी सुन रहे हैं। फिर एक रात रामू ने सपने में गणेश जी को देखा। गणेश जी ने कहा, हे रामू, तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना होगा। अगले दिन रामू ने अपनी जमीन पर मेहनत की और भगवान की कृपा से अचानक बारिश हुई, फसलें लहलहाने लगी। कुछ महीनों बाद रामू की फसल भरपूर हो गई। उसने गाँव के लोगों को बताया कि ये सब गणेश जी की कृपा है। पहले जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत और विश्वास को देखकर हैरान रह गए। गांव में सब लोग रामू की कहानी सुनने के लिए इकट्ठा हुए। रामू ने सभी को बताया कि वो प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करता है और उनके प्रति श्रद्धा रखता है। गांव के कुछ लोग रामू से प्रभावित होकर उससे ज्ञान लेने लगे। रामू ने कहा, अगर तुम्हें भी अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए तो तुम भी गणेश जी की पूजा कर सकते हो। धीरे धीरे गाँव के लोग गणेश जी की पूजा करने लगे। हर घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई और उनकी आरती होने लगी। इस नए बदलाव ने गांव में एक नई परंपरा की शुरुआत की। गांव में अब लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सहयोगी और प्रेम पूर्ण हो गए। खुशहाली आने लगी और सबकी फसलें भी भरपूर होने लगी। अब दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव में खुशहाली का माहौल बनने लगा। सभी लोग गणेश जी की पूजा जो करने लगे थे और हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार भी धूमधाम से मनाने लगे। रामू की मेहनत और श्रद्धा ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया बल्कि पूरे गाँव को ही एक नई दिशा दी। इसी के साथ दोस्तों, ये तो मानना ही पड़ेगा कि अगर आपके जीवन में कोई मुसीबत है या फिर आपके जीवन में विघ्न आ रहे हैं, रुकावटें पैदा हो रही हैं, कोई भी काम आपका सफल नहीं हो रहा है, तो आप श्री गणेश जी का नाम स्मरण करें, श्री गणेश जी की पूजा करें पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे भक्ति भाव से, तो दोस्तों आपके काम बनने लग जाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। जो भी असफलताएं, जो भी विघ्न आपके कार्य में आ रहे थे, वो सभी दूर हो जाएंगे और आपको आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी और आपका जीवन चमकने लगेगा, आपका भाग्य चमक जाएगा दोस्तों, और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में फैल जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही, वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।